जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर वेल। और आपके एसएसबी का प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त चल रहा है दोस्तों। पीपीटीटी चैलेंज के लिए हमने जो पिक्चर आपको दिया था, उस पिक्चर में अगर हम फोकस करके देखें, ध्यान से देखें, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमको कितने दिख रहे हैं? 1, 2 एंड 3। साथ ही साथ एक खुली हुई जिप्सी हमें दिख रही है, और इस जिप्सी के बाद में अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमें कुछ टेंट्स लगे हुए दिख रहे हैं। जिस बच्चे ने इन टेंट्स को ठीक से ऑब्जर्व कर लिया, वो बंदा कहीं ना कहीं इस पिक्चर को ठीक से कोरिलेट कर पाएगा कि हाँ, ये किसी कैंप का सीन हो सकता है, क्योंकि यहां हमें कुछ ट्रीज प्लांट्स भी दिख रहे हैं। ओपन स्काई का फोटो है। तो आइए डिस्कस करते हैं आप लोगों की स्टोरीज की, आपने लिखा क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले जो है सबसे पुरानी स्टोरीज से कि किसने क्या लिखा था। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जो है अमृत रंजन सिंह की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर आई ऑब्जर्व 3 कैरेक्टर्स, ऑल आर मेन, एज 18 से 22 इयर्स, मूड पॉजिटिव। राम वाज ए न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वन डे ही गोट न्यूज दैट ए टाइगर हैज केम इन द विलेज एरिया। द पीपल्स वर फ्राइटेंड बाय टाइगर। राम अलॉन्ग विद बोथ अदर ऑफिसर्स हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेस्क्यू द टाइगर एंड मेक पीपल सेफ। ही स्टार्टेड सर्चिंग कैंपेन इन द विलेज एरिया। ही ऑल्सो यूज जी फॉर कैंपेनिंग। दे टुक हेल्प ऑफ लोकल पीपल्स एंड आफ्टर समटाइम्स दे केज द टाइगर सेफली एंड विदाउट हार्मिंग हिम। तो भाई ध्यान से देखो, पहली बात कि ये जो है उसमें फिर वो खुली जिप्सी तो आ गई, पर पीछे जो टेंट लगे हैं वो कैंप वगैरह नहीं आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि टाइगर का रेस्क्यू करने गए हैं, खाली हाथ कैसे गए हैं, या फिर रेस्क्यू भी किया है तो वो रेस्क्यू करने वाला एक्शन हमारा गायब है। इसलिए स्टोरी जो है और रिलेवेंट हो सकती है, आपको इसको बनाना है। अगली स्टोरी देखते हैं यशराज की। यशराज जो आजकल काफी पॉपुलर हो रखा है पूरे चैनल के ऊपर, अलग अलग बच्चों को अलग अलग आइडियाज देता है कि आप क्या करो जिससे आपकी स्टोरी रिव्यू हो जाएगी। चलो आज यशराज की स्टोरी काफी दिनों के बाद हम रिव्यू कर रहे हैं। कैरेक्टर्स कह रहे हैं 3, एज ग्रुप 21 से 23, मूड तीनों का नेगेटिव बता रहे हैं। भाई देखो, दौड़ता आदमी भाग के जा रहे हैं, जरूरी भाग के जाने वाला आदमी नेगेटिव मूड में, भाई नेगेटिव मूड में आदमी रहेगा, आंसू गिरेंगे, रोएगा, चिल्लाएगा, वो नेगेटिव है। कोई काम अगर आपके अंदर आपको करना है, किसी काम को दौड़ के भाग के जा रहे हो अगर उसको करने के लिए, तो वहां नेगेटिव होने की क्या जरूरत है? ठीक है, क्योंकि जब तक माइंड सेट के अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी आप काम कैसे करोगे? ठीक है, तो ठीक है, आपको जो दिखा आपने लिखा, नो इश्यू। एक्शन क्या है? हेल्पिंग ए लास्ट इंजर्ड टूरिस्ट, है ना, टूरिस्ट जो है वो इंजर्ड हो गया था, उसकी आप हेल्प कर रहे हो। तो कहां आप उसकी हेल्प कहां किए हैं ये बताना जरूरी है। कैंप में रहने के दौरान अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो चल जाएगा, बट अगर आपने कैंप नहीं देखा है तो फिर हम देखते हैं आपने क्या देखा। रोहन वाज ए बॉय स्काउट इन गोवा। ही हैड हिज कैंप नियर बीच एट क्लिफ ऑफ हिल। व्हेन ही वाज प्लानिंग विद हिज फ्रेंड्स फॉर नाइट अरेंजमेंट्स, दे हर्ड अ स्क्रीम इन जंगल एंड वेंट इन इट्स डायरेक्शन। ही इंस्ट्रक्टेड हिज फ्रेंड्स टू मेक नॉइस टू स्केयर ऑफ, है ना, एनी वाइल्ड एनिमल एंड सिग्नल अबाउट देयर इनकमिंग। सून दे फाइंड टूरिस्ट ट्रैप्ड इन अ पिट। रोहन ग्रेप्स अ वाइन्स ऑफ ट्री। अब देखो, स्टोरी ठीक लिख रहा था लड़का, पर जबरदस्ती टूरिस्ट को इंजर्ड क्यों कराना? जब वहां कोई इंजर्ड दिख ही नहीं रहा है तो क्यों इंजर्ड कराना? और अगर वो इंजर्ड दिख रहा है तो गड्ढे में गिर गया, भाई कैसे गिर गया? गड्ढे में गिर गया तो निकला कैसे? नहीं, क्यों नहीं निकला खुद से? और अगर आपने निकाला तो फिर उसको कैसे निकाला? ठीक है ना, एक्शन क्या लिखा है? इंजर्ड टूरिस्ट की मदद करना। पिक्चर में काफी कुछ क्या रहा है, जंगल में एनिमल्स हैं, उन वाइल्ड एनिमल्स को साउंड करो, ये करो, इरिलेवेंसी में मत जाओ, एक ही चीज का फोकस करो कि टूरिस्ट अगर इंजर्ड हुआ है कहां ट्रैप्ड है और उसके तक कैसे पहुंचे और उसके पास पहुंचने के लिए वो एक्शंस क्या लगाए, साथ में उसको रेस्क्यू कैसे किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो यशराज की स्टोरी हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं रोशन शर्मा की स्टोरी पर। रोशन शर्मा कह रहे हैं मूड पॉजिटिव है, मेन कैरेक्टर 19 ईयर का मेल है। और क्या लिखा है? रितिक इज 20 ईयर ओल्ड बॉय। अब भाई देखो, रितिक इज 20 ईयर ओल्ड बॉय लिविंग इन भुवनेश्वर। ही वॉज गॉन टू ए स्काउट कैंप विद हिज फ्रेंड्स एंड टीममेट्स। व्हाइल दे वर वंडरिंग अराउंड द स्काउट कैंप, रितिक नोटिस दैट अ ब्रांच ऑफ ट्री हैज फॉलन ऑन ए डॉग, व्हिच हैज मेड द डॉग अ लिटिल बिट अग्रेसिव। रितिक स्लोली अप्रोच द डॉग, गेव इट ए बिस्किट आर टू टू गेन हिज ट्रस्ट। देन विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स ही रिमूव द branch of the dog. Ritik noticed that the dog's leg has broken, so he immediately gave him dog first aid and took it the nearby veterinarian and got the dog treated.
देन दे केम बैक एंड क्लियर द एरिया वेयर द ब्रांच ऑफ ट्री वाज फॉलन. तो देखो भाई, पहली बात ध्यान से सुनो, मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर कौन होगा? ऋतिक होगा. अब इस बंदे ने क्या डायरेक्ट एकदम ब्लंडर कर दिया, यहां लिख रहा है 19 और यहां लिख रहा है 20, या तो या फिर ये दोनों लोग अलग अलग हैं. और अगर एक ही है तो एज अलग अलग क्यों है? तो एज सेम रखो, पहली बात. दूसरी बात, क्यों ब्रांच गिरी तो डॉग पर ही क्यों गिरी? और डॉग पर ही गिरी तो वो इतना इरिटेट हो गया, उसको गुस्सा आ गया और आपने सिर्फ बिस्किट डाल के उसका गुस्सा शांत कर दिया. भाई ये एक विशफुल स्टोरी जिसको कहते हैं ना, इमेजिनरी स्टोरी है. ब्रांच गिरती उतने में कुत्ता भाग जाता है भाई, और अगर नहीं भागा तो फिर दब के ऐसा चिल्लाएगा ना कि आप ही उसको माए बाप दिखोगे. तो पहली बात तो ये कि ब्रांच वांच गिरी, आप बोलिए कि थोड़ा हवा पानी आया था कैंप के पास में, ब्रांच गिर गई, या फिर ऐसे ही कि वो ब्रांच बड़ा वीक हो गया था, अपने आप गिर गया. वे दे रस्ट और उन्होंने वो जो है साफ वाफ करके उसको डाल दिया एक तरफ. फॉर्चुनेटली कोई उससे हार्म नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली कोई उससे इंजर्ड नहीं हुआ. आप इतना ही बना सकते हो, जबरदस्ती पेड़ से शाखा गिरे, डाली गिरे, कोई ना कोई उसमें इंजर्ड हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, जब तक कि वो इंजर्ड पर्सन हमको दिखाई ना दे. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कुछ उन स्टोरीज को जो जस्ट अभी अभी हमारे पास में आई है. बच्चों, स्टोरीज की संख्या कम हो गई है इसलिए कि कैंप जो चल रहा था, उस कैंप के अंदर मैं शिद्दत से भिड़ा हुआ था. तमाम 5 एसएसआर जो है उस कैंप के अंदर बच्चों को गाइड कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिर फीडबैक दे रहे हैं टेस्ट लेने के बाद में, जीटीओ पहले क्लास ले रहे हैं, फिर ग्राउंड एक्टिविटीज करा रहे हैं और उसके बाद बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं. आईओ साहब ने हर एक बच्चे का 45+ मिनट का इंटरव्यू लिया है विद फीडबैक. साथ ही साथ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए अलग से क्लासेस हो रही है. अगर आपका भी एसएसबी अपकमिंग मंथ्स में, चाहे एनडीए का हो या फिर सीडीएस का, नेक्स्ट कैंप जो है 5 जून से आ रहा है. अगर आप पहले से प्रिपरेशन करके बैठे हो तो वापस आ जाओ, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन में कितनी गहराई है, इस बार आप रिकमेंड हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो. और अगर आप पहली ही बार प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लगता है 5 दिन में कुछ नहीं होने वाला, फिर आप 30 डेज के लिए मेरे पास आ जाओ. ये 30 डेज में मैं आपका पूरा प्रिपरेशन करा दूंगा. साथ ही साथ आप इस 30 डेज में जो है अपने कम्युनिकेशन में, ग्रुप डिस्कशन में, लेक्चरेट में, साथ ही साथ स्टोरी राइटिंग में एक शानदार कॉन्फिडेंस लेकर के जाओगे जो आपको रिकमेंड कराएगा. दोनों ही तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है. बैच 25th से स्टार्ट हो रहा है, 30 डेज का बैच रहेगा. 15,000 रुपये उसकी फीस है. अभी 2,000 का डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 13,000 रुपये में बैच मिल रहा है 30 डेज के लिए. रहना खाना असेसमेंट सब शामिल है. अगर कैंप के लिए आना है तो 5 डेज का कैंप है. 5th जून से 9th जून तक कैंप रहेगा और इस कैंप की फीस सिर्फ 2,000 रुपये. चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है. देखो 30 डेज गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना वो अलग मायने रखता है, 5 डेज में अपना खुद का असेसमेंट कराना अलग मायने रखता है. दोनों चीजों की अपनी अपनी सहूलियत है, जरूरत है. आपको दोनों लगता है आप दोनों भी ज्वाइन कर सकते हो. तो चलो स्टोरी अब आगे देखते हैं, क्या बंदे ने स्टोरी लिखी है. तो आदित्य तिवारी की स्टोरी पढ़ते हैं, है ना. प्लीज फ्रेंड रिव्यू माय स्टोरी. फ्रेंड्स को बोल रहे हैं भाई साहब की रिव्यू स्टोरी कर दो. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फ्रेंड्स ने तो करी होगी, मैं भी कर देता हूं. मयंक वाजे, नेचुरल पार्क रेंजर इन मोलेम नेशनल पार्क गोवा. वन डे व्हेन ही वाज इन हिज कैंप ड्यूरिंग हिज ड्यूटी विद हिज कलीग्स, दे हर्ड अ स्क्रीम, दे वर सरप्राइज्ड एंड दे वेंट टुवर्ड्स स्क्रीम बाय जीप. मयंक फाउंड एन इंजर्ड पैंथर इन डिग विद द हेल्प ऑफ रोप, है ना, रोप एंड मैश. दे कैरीड आउट पैंथर फ्रॉम डिग. मयंक टुक हिम टू कैंप, गेव फर्स्ट एड एंड इन्फॉर्म्ड मेडिकल अथॉरिटी ऑफ एनपी. आफ्टर सम टाइम द डॉक्टर्स केम एंड दे ट्रीटेड हिम. मयंक वॉज वेरी हैप्पी टू सेव पैंथर्स लाइफ. अब देखो इसमें मयंक ने ये क्या सुना है, स्क्रीमिंग सुना है. तो मयंक ने स्क्रीमिंग सुना है, कान से सुनी है. तो जब वो आवाज आई कान से तो फिर वो कितना दूर होगा, वो जीप से गया है, उसको थोड़ा सा कोरिलेट करिए, है ना. बता दीजिए पहले से कि वो 500 मीटर दूर था कि 1 किलोमीटर दूर था. इतनी दूर की आवाज जनरली कान से सुनाई पड़ती है. अब बहुत ज्यादा दूर होगा, 5-10 किलोमीटर कैसे सुनाई देगा, तो इसको थोड़ा सा रिलेवेंट कर दो. दूसरा है कि चूंकि अगर वो रेंजर है वहां पर, वो सारा उनका फॉरेस्ट में ही काम है, तो उनके पास ऑलरेडी इस तरह की टीम है, फिर अलग से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं. उन्हीं के लोग, उन्हीं के ग्रुप के मेंबर से सारी चीजों को आसानी से डील कर सकते. चलो अब नेक्स्ट स्टोरी लेते हैं मोहित की. मोहित ने क्या लिखा है, 3 कैरेक्टर्स ऑल मेल बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 15 से 18. मोहित वाज 17 years old, एनसीसी कैडेट ऑफ 12th class इन आर्मी पब्लिक स्कूल. दे वेंट फॉर 10 days एनुअल जंगल कैंप. मोहित टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट ऑल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कैंप, लाइक यूनिफॉर्म, शूज, टॉर्च, लाइन बेडिंग एंड मॉस्किटोज एंड अ नेट फॉर ऑल द कैडेट्स फॉर स्कूल स्टोर. आफ्टर रीचिंग द कैंप, व्हेन ही वाज ट्रेनिंग विद हिज फ्रेंड्स, ही हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड फ्रॉम द बुशेस.
He stealthily moved towards bush and saw an injured puppy. है ना? He immediately looked at injury on puppy's leg and took him to the nursing assistant of the camp. The NA checked and put bandage on injured part. Mohit also gave food and milk so that puppy can heal fast. On the last day of camp, he took the puppy along with him and handed him over to Animal Welfare Club. Mohit felt happy and shared whole stories of camp with his family. तो मोहित ने जो स्टोरी लिखी थी कि भाई देखो जनरली ऐसा होता है यार कि आप कहीं हो किसी को देखो कि कोई परेशानी में है, कोई पपी अगर परेशानी है उसको उठा लाए, उसको जो करना था कर दिया, छोड़ दिया, पर आपके पास इतना टाइम कहाँ है। गए थे 10 days का जंगल कैंप करने, वहां देखा कोई पपी इंजर्ड हो गया, ठीक है वो इंजर्ड हो गया, आपने रश के एकदम भाग के गए उसके पास, गए उसकी मदद जिस तरह से करना थी वो करी। आप जो है ना क्या कर रहे हो, मेन एक्शन पर फोकस नहीं कर पा रहे। आप देखो कि उस मेन एक्शन क्या था, हाउ ही हेल्प पपी, बस इतना करिए क्योंकि उसकी हेल्प करने के बाद उसको मदद मिल जाएगी। आप अपने जंगल कैंप में बिजी हो जाओगे, आप जंगल कैंप में 10 days तक जब अपनी ट्रेनिंग करते रहोगे तब तक वो पपी वहां बैठा तो रहेगा नहीं आपके लिए, आप उसकी इमीडिएट मदद करो, उसको जाने दो। आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि वो लेकर क्या है अपने साथ और फिर वो एनिमल वेलफेयर क्लब के लोगों को दे दिया। भाई थोड़ा बहुत ही इंजर्ड हुआ था, बैंडेज लगी थी बस, उसको बैंडेज लगा हुआ पपी जो है 2-3 दिन में सही हो जाएगा, उसके बाद उसको एनिमल वेलफेयर तक छोड़ने की जरूरत ही नहीं, वो तो अपने आप ही एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। तो इस तरह से, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है तीनों लोग हमें कहीं ना कहीं वर्दी में दिख रहे थे, यूनिफॉर्म में दिख रहे थे, एनसीसी कैडेट्स हो सकते हैं, वो फॉरेस्ट के कुछ लोग हो सकते हैं, वो फॉरेस्ट गार्ड्स हो सकते हैं। ये सारी चीजों के अराउंड अगर आप स्टोरी बनाते हैं तो स्टोरी सही होती है। काफी सारे बच्चों ने रिलेवेंट स्टोरी लिखी है। आई होप कि आप जो है समझिए, पिक्चर देखिए, पिक्चर का जो बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड से अपनी पिक्चर को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इतना कर पाए तो आपकी स्टोरीज अच्छी हो जाएगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट ये कीजिए कि हमको वीडियो कैसा लगा, और सारे बच्चों की स्टोरीज को रिव्यूज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो स्टोरीज सामने आ जाती है मैं उनका रिव्यू करता हूं, बट 5-7 स्टोरीज का रिव्यू करने के बाद में आपको समझ में आ ही जाता है कि क्या पिक्चर था, क्या थीम था, इस थीम पर हम किस तरह से आगे बढ़ सकते थे। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं दोस्तों, एंड आई वांट कि अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यू विल बी द पार्ट ऑफ फोर्स फैमिली। 25th ऑफ द मई से SSB का बैच और 5th ऑफ द जून से जो है हमारा SSB इंटरव्यू का कैंप, दोनों में से किसी का भी हिस्सा बनिए, यू आर मोस्ट वेलकम। डेफिनेटली विल लर्न टुगेदर। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।